Assalamualaikum and hello everyone. Today we are going to discuss Gibbs free energy. So pehle hum in our previous lectures we have discussed Helmholtz free energy and entropy. तो ये सारी आपको बतानी ज़रूरी हैं कि टी डी एस इक्वेशन के लिए जाना है. मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि टी डी एस इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझने के लिए ये तीन इक्वेशंस का समझना ज़रूरी है. कि जब तक ये तीन इक्वेशंस नहीं याद होंगी आप टी डी एस इक्वेशन और टी डी एस इक्वेशन से पहले कुछ इनके एग्जैक्ट रिलेशन हैं उनको समझना ज़रूरी है. तो पहले हम ये इक्वेशन समझेंगे गिब्स की, हेल्महोल्ट्ज़ की, एंथैल्पी की और एंट्रोपी की. फिर उनकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म मैं आपको समझाऊंगा और फिर हम टी डी एस इक्वेशंस की तरफ जाएंगे. तो चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ. तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होती है हमारे पास एच माइनस टी एस के. एच यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी है और ये किसके बराबर होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ. और ये माइनस करते हैं हम इसमें टेंपरेचर इनटू एंट्रोपी का प्रोडक्ट. तो अब जब मैं डेल ऑपरेटर, मैंने पीछे भी सब पे डेल ऑपरेटर ही अप्लाई किए हैं. डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच डेल एच माइनस टी डेल एस. तो जितने भी प्रोसेस मैंने किए हैं सब आइसोथर्मल थे. टी सब के अंदर क्या था, कांस्टेंट था. पीछे जितने भी मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी बताई, एंट्रोपी बताई, तो उसके अंदर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था. टेम्परेचर को एज अ कांस्टेंट हमने ट्रीट किया है. यहाँ पे अब हमारे पास जो डेल एस है वो किसके बराबर है, डेल क्यू माइनस डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी के. अगर इन टॉपिक का टॉपिक नहीं पढ़ा पढ़ लें, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है. उसके अंदर ये रिलेशन और इसकी इंटरप्रिटेशन सारी मैंने बता दी है. तो यहाँ से डेल क्यू किसके बराबर आपके पास आएगा, डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू टी डेल एस और डी क्यू विल बी इक्वल्स टू टी डी एस. यही वो टी डी एस है जिसको हम टी डी एस इक्वेशंस का नाम देते हैं. फर्स्ट टी डी इक्वेशन, टी डी एस इक्वेशन, सेकेंड टी डी एस इक्वेशन एंड थर्ड टी डी एस इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन भी उसको कहते हैं. तो हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ी धीरज रखिए. तो डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस. यहाँ से हमने, अब मैं आपको बताता हूँ ये एंथैल्पी किसके बराबर होती है. एंथैल्पी चेंज जो है वो हमारे पास बराबर होता है डेल ई प्लस पी डेल वी. समझिए कि ये जो एनर्जी है उसमें जो वर्क है आप दोनों को जब ऐड कर देते हैं कि उसकी जो एनर्जी थी वो भी और उसका जो वर्क डन था वो भी, दोनों जब ऐड हो जाते हैं तो आपके पास वो क्या देते हैं, ओवरऑल एनर्जी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी. पी डेल वी वर्क डन होता है ना, वर्क डन बाय द प्रेशर इन चेंजिंग दैट वॉल्यूम, इन चेंजिंग सम वॉल्यूम. वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए प्रेशर कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के लिए हमें प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा. ये भी वो चार्ल्स के बॉयस लॉ है, तो वो भी आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यूज़ क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू. तो अभी तो ये नहीं, यहाँ पे डेल एस की वैल्यू और ये हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास डेल जी आता है. डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच की जगह हमारे पास आएगा डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस. किसके बराबर है, टी डेल एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल क्यू. ठीक है, माइनस डेल क्यू के बराबर है. अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो
डायनामिक्स डेल इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस मैक्सिमम वर्क डन. हियर वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम वर्क डन. तो वैसे ये हमारे पास डेल क्यू माइनस पी डेल वी के बराबर या डेल क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है. तो क्योंकि हम फ्री इनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम फ्री इनर्जी के लिए ये कंडीशंस यहाँ पे लेते हैं कि इनर्जी जो मैक्सिमम वर्क कर रही है हमारे पास, सही. तो उस मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशन ये है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, प्रेशर, क्योंकि ये हमारे पास डब्ल्यू मैक्स किसके बराबर आता है, पी डेल वी के. पी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म हेयर. तो चेंजिंग जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है, वी. तो वॉल्यूम चेंज जो हमारे पास होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए. तो ये वाली इक्वेशन अगर हम डेल ई की यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास डेल जी विल बी इक्वल टू डेल क्यू माइनस मैक्सिमम वर्क प्लस पी डेल वी माइनस डेल क्यू, ठीक है. तो ये डेल क्यू और ये डेल क्यू कट जाएंगे, माइनस मैक्सिमम वर्क प्लस पी डेल वी डेल जी. तो डेल जी माइनस कॉमन में ले लेता हूँ तो ये डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क माइनस पी डेल वी. यहाँ से अब इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास आती है. वो क्या आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एवॉल्व विद सर्टेन क्वांटिटी. कि एक हमारे पास मैक्सिमम वर्क है और ये वर्क है कि जो वो सिस्टम कर रहा है, ठीक. तो उसने में से वर्क जब आप निकालेंगे, वर्क और एनर्जी आप समझें सेम है, दोनों जाउल के अंदर आ रही हैं. हमारे पास जो वर्क है मैक्सिमम वर्क था, उसमें से पी डेल वी जो है, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम इतना वर्क कर सकता था, ठीक है, लेकिन सिस्टम ने इतना वर्क किया. आप 10 किलो की चीज़ उठा सकते थे फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने 5 किलो की चीज़ उठाई, ठीक है. आपने बीच में डंडी कितनी की मारी, 5 किलो की. तो वो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 5 के मैक्सिमम आप चीज़ कितनी उठा सकते थे, कितना आप, एक मशीन कितना काम कर सकती है और आप में, आपने उसमें से कितना काम लिया, ठीक. जब आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास चीज़ आ जाएगी कि आपने बीच में से डंडी कितनी चीज़ की मारी, या कितनी चीज़ जो आपकी एनर्जी है वो बीच में से खारिज हो गई, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसको निकाल दिया, वो सराउंडिंग में चलेगी, वो आपके इस्तेमाल के अंदर नहीं आई, ठीक. तो गिब्स एनर्जी क्या देता है कि दिस इक्वेशन, द अबव इक्वेशन टेल्स अस द अमाउंट of energy evolved with certain quantity, और ये बराबर किसके होती है, maximum work done minus पी डेल वी, माइनस वर्क डन बाय पी डेल वी. कि एक सिस्टम था, एक जो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो यहाँ से समझने के लिए आपके इसी के यहाँ पे बनाता हूँ, कि एक सिस्टम था वो यहाँ तक उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज डेल वी आ सकता था जो उसका मैक्सिमम था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन
मुश्किलात की वजह से आप कह लें, वो कितना होगा? वो तकरीबन उसमें इतना चेंज आया, मैक्सिमम नहीं आया। तो अब इतना जी जो इसके अंदर गैप आ गया है वर्क डन का, वर्क डन जाउल, एनर्जी जाउल, ये जो इतना एनर्जी का गैप आया है, वो एनर्जी का गैप फ्रिक्शन की वजह से या और वजह के से क्या होता है, सराउंडिंग के अंदर चला जाता है। जब वो सराउंडिंग में जाता है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमें इसी बात का बताता है कि वो जो सराउंडिंग में एनर्जी हमारी ज़ाया हो गई है, इवॉल्व हो गई है, वो कितनी हुई है। तो आज के लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में समझ आ गया होगा।